नाज़रीन आवाम की राय के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अलाउद्दीन जोकियो साहब के साथ, जो कि बिजनेसमैन है, और उनसे मिलते हैं और सबसे पहले उनसे ये पूछते हैं कि इस वक्त जो महंगाई का तनासब बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, दो वक्त की रोटी भी गरीब आदमी को मैसर नहीं, ख़ासतौर पर जब से PTI की हुकूमत आई है, चौथा साल चल रहा है उसको, उस हवाले से, और हम लोग हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स पे करते हैं, क्या हुकूमत पाकिस्तान हमें कुछ सहूलियात भी प्रोवाइड कर रही है कि हम सिर्फ टैक्स ही दिए जा रहे हैं, और यहाँ पे पीपल्स पार्टी का माशाल्लाह तीसरा टर्नओवर जा रहा है, किस नज़र से देख रहे हैं, खासतौर पे तरक्याती कामों के हवाले से, दूसरा जो एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अलाउद्दीन जोकियो साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, महंगाई का एक तूफान सा बरपा है जब से PTI की हुकूमत आई है, ये मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ भी आप देखें एक महंगाई का तनासब है। घी जो था नून लीग के टनोर में 145 रुपये था, अब 420 रुपये, 380 रुपये भी मिल रहा है, दालें का रेट भी बढ़ गया है, यानी कि रोज़मर्रा की अशा में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, पेट्रोलियम की कीमत भी इजाफा हो गया। खान साहब कहते थे कि IMF से लोन नहीं लूँगा, बहुत सारे लोन लिए, दुनिया पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा उन्होंने लोन लिया, क्या कहेंगे इसके बारे में? बस क्या करते हैं, बस सब कोई अपना पेट भर रहा है, अपना ही सिस्टम का जमा कर रहे हैं, बस अब दिखावा है और लोगों को बस सुनहरे ख्वाब दिखाए, खाब दिखा के बस फिर अपना काम निकाला, वोटों अपना वोटों के दौर से आया है, और बस ये सारा सब कुछ दिखावा ही है बस, और सब कुछ अपना ही पेट भर रहा है, बस यही मैं कहना चाहूँगा। ठीक नहीं, ये जो महंगाई बढ़ी है, ये महंगाई क्यों बढ़ी है? चलो कोरोना तो आया, कोरोना तो पूरी दुनिया में आया ना जोकियो साहब, कोरोना यहाँ पाकिस्तान में नहीं आया, सारी दुनिया में आया, लेकिन सारी दुनिया में महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी यहाँ पाकिस्तान में हुई। तो बस सब ये लूटमारी कर रहे हैं, बस सब कोई अपना पेट भर रहा है, अपने अपने घर भर रहे हैं, बस ये हो रहा है बस। तो जो कि साहब आप हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स पे करते हैं, आप बिज़नेस मैन हैं, यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान हमें कोई सहूलत ही प्रोवाइड कर रही है कि हम सिर्फ टैक्स ही दिए जा रहे हैं? सहूलत क्या हो रहा है, कोई भी नहीं कर रहा, टैक्स पे टैक्स दिए जा रहे हैं बस, कभी कौन सा टैक्स, कभी कौन सा टैक्स, कभी कौन सा टैक्स, तो बस ये टैक्स में दबी हुई पूरी आवाम दबी हुई बस। सही, यहाँ पे पीपल्स पार्टी का तीसरा टर्नओवर जा रहा है मुसलसल, किस हवाले से देख रहे हैं? 14 साल हो गए मुसलसल यहाँ से में पीपल्स पार्टी को हुकूमत करते हुए, तरक्याती काम के हवाले से, ख़ास तौर पे साफ पानी के हवाले से, सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, रोडों की मेंटेनेंस के हवाले से, क्या देखते हैं? इनका भी कोई खास नहीं है, इनका भी कोई वो नहीं है, कोई खास रोल इनका भी कोई नहीं है का भी। आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत से मुतमईन नज़र नहीं आते? इतना नहीं, 50-50, इतना मुतमल नहीं, मुकम्मल नहीं। वोट तो हम लोग उन पीपल्स पार्टी को ही देते, देते हैं, क्या करें, देते तो हैं बिल्कुल जी, हाँ पीपल्स पार्टी को देते हैं, लेकिन देते पे रहेंगे, काम नहीं कर काम, देते भी रहेंगे काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा जिस तरह काम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जिस तरह 18वीं तरमीम के बाद तो सूबे आज़ाद है ना, सूबे जो मर्जी कर सकते हैं, बिल्कुल वफाक तो सिर्फ फंडिंग ही देती है ना, बिल्कुल इस हवाले से बिल्कुल। हाँ तो बस इनका भी वही है, जैसा PTI का हाल है वैसा इनका भी यही हाल है। सही, लास्ट पे जो है हुकूमत सिंध को क्या मैसेज कन्वे करेंगे कि भाई अपना अपने काम करें, जो MPMN है वो अपना हल्के का काम करें, सबको एक नज़र से देखें, जिन जिन का काम नहीं है उनको काम करें, कोई अच्छा सा कोई ऐसा कोई काम दें, कोई सेहत के हवाले से, कोई पानी के हवाले से, तो इनको अच्छा कोई रोज़गार दें, चाहे कोई कंपनी में दिला दें, कहीं भी दिला दें, किसी भी जगह भी दिला दें, तो काफ़ी लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बकौल आपके जैसे आपने बोला पहले, नहीं आपने भी TV पे देखा होगा, ठीक है ना, बच्चे सेल के लिए लगे हुए हैं, 20 लाख रुपए की बच्ची, 15 लाख, पूरी दुनिया देख रही है, मैं क्या देख रहा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल, जो बंदा TV देखता है या खबरें देखता है वो सब कुछ देख रहा है, देख रहा है बिल्कुल, ठीक है ना, कि कैसे कैसे खुदकुशी की जाती, पूरी पूरी फैमिली खुदकुशियाँ कर रही है, ठीक है ना, ये इसी महंगाई की वजह से। जी जी बिल्कुल, अब पार्लियामेंट हाउस में जहाँ हमारा वजीर आजम साहब बैठते हैं उसके बाहर ही बच्चे फार सेल लगे हों, तो उससे ज़्यादा क्या अमेज जाएगा? श्रीलंका के सियालकोट में वो बंदे को मार दिया गया, कैसा अमेज जा रहा है हमारे मुसलमानों का? तो ये बस ठीक है, वो वहाँ यहाँ पे मेहनत मजदूरी करने के लिए आया हुआ था ना, हमारे बदनामी है, उसने तो यही कहा ना कि यार काम करो काम करो, काम करने का नतीजा ये मिला कि हमारे मुसलमानों भाइयों ने उसको मार दिया। तो बस पर हमारा सब मिलसानी की यहूदियों की भी प्रोकोंटा है, सिस्टम है सारा मिलना मिलजुली है, एक सिस्टम बना हुआ है, तो उन्होंने उसको किसी सियासी अपना ना बना के उस हिसाब से उसको मार दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया, और पीपल पार्टी वालों का भी मैं खास मुतमिन नहीं हूँ। सही, हाँ सिंध हुकूमत से। सही, बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन साहब आपका नाजी। ये थे अलाउद्दीन जोकियो साहब जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, बड़ी अच्छी बातें की, और ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत से मुतमिन भी नज़र नहीं आते, 50-50% कह रहे हैं जिस तरह काम करना चाहिए था उसी तरह काम पीपल्स पार्टी ने जो है ना नहीं किया। मेरी उनसे भी गुजारिश है
कि जिस तरह काम करना चाहें सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से साथ तो काम करें, ताकि यहाँ की आवाम जो है ना आपसे मुतमईन नज़र आए। कैमरामैन जवेद के साथ डॉक्टर नवीद, 72।